तारीख 22 मई रात के 2 बज रहे थे और एक युवक चद्दर ओढ़कर बेखौफ अपने दरवाजे पर सो रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी उस रात मौत आ जाएगी। लेकिन उस युवक का हत्यारा कौन था, इसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल मामला कुछ यूं था कि गोपालगंज ज़िले के श्रीपुर ओपी थाना क्षेत्र के लाडपुर के रहने वाले ईस मोहम्मद मछली व्यवसायी थे। उनकी रात के 2 बजे 22 तारीख की गोली मारकर हत्या हो जाती है और उसका हत्यारा कोई और नहीं, उनके खुद की पत्नी थी। यानी पत्नी ने अपने प्रेमी को बुलाकर और गोली से उसकी हत्या करवा देते हैं, जिसके बाद पुलिस अनुसंधान करती है और खुलासा होता है। मृतक है वो अपने घर के बाहर सोया हुआ था खाट पर, और जो पत्नी जिसने पूरे योजना को अंजाम दिया था योजनाबद्ध तरीके से, वो खिड़की से झांक भी रही थी और फ़ोन पर अपराधियों को बुलाया था और उसके सामने ही ये घटना हुई है। तो सर, महिला क्या देख पा रही थी कि उसके पति की हत्या हो रही है उसके सामने? हाँ, जैसा उन्होंने बताया है कि वो खिड़की से देख रही थी और फ़ोन पर थी, अपराधियों के साथ बातचीत कर रही थी और उसने इशारा भी किया कि ये खाट पे जो सोया व्यक्ति है इसी की हत्या करनी है जो उसका पति है। कब से इन लोगों के बीच में अवैध संबंध था, बताया? 21 सालों से हैं। पति इनका दुबई में रहता था और काफ़ी लंबे समय तक दुबई में था और उसी समय से ये संबंध स्थापित हुआ था। ऐसे में महज 50,000 रुपये में अपनी ही पत्नी ने अपनी पति की हत्या करवा दी। इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें नौशाद आलम, मंसूर आलम, परवेज अंसारी और उसकी खुद की पत्नी नूरजहां खातून भी गिरफ्तार है। इनके पास से एक पिस्टल, जिंदा 3 कारतूस, नगद 7500 रुपये, होंडा साइन मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले का अनुसंधान कर दिया है, लेकिन ये तब हुआ जब उसकी पत्नी खिड़की पर खड़ी होकर अपने ही पति की मौत का इंतज़ार कर रही थी और उसका प्रेमी बाइक से उस शूटर को लेकर आता है और उसके पति के धाएँ धाएँ गोलियों से छल्ली कर देता है। पति की मौत हो जाती है और पत्नी चिल्लाने लगती है कि मेरी पति की हत्या हो गई। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जब अनुसंधान करती है तो खुलकर सामने आता है कि उसकी ही पत्नी ने उसकी हत्या करा दी है। महज मामला ये था कि उसका अवैध किसी के साथ संबंध था और प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करा दी है। तो सुन लीजिए कि गोपालगंज के SP स्वर्ण प्रभात पूरा मामले में क्या कुछ बता रहे हैं। 2 दिन पहले 22 मई को श्रीपुर थाना अंतर्गत मछली व्यवसायी ईस मोहम्मद मियाँ की अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के उद्भेदन के लिए SDPO हथुआ के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया था। SIT ने अनुसंधान किया। अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई कि मृतक की जो पत्नी है नूरजहां खातून, इसका अवैध संबंध मोहल्ले के ही एक लड़के नौशाद आलम के साथ चल रहा था और इस अवैध संबंध का विरोध पति किया करता था और इसी से तंग आकर पत्नी ने नौशाद आलम के साथ मिलकर इसकी हत्या की प्लानिंग की। इसके बाद नौशाद आलम 2 सुपारी किलर को हायर करता है और इन अपराधियों की मदद से घटना की रात्रि में गोली मारकर इसकी हत्या कर दी जाती है और SIT ने इन दोनों सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो हथियार प्रयुक्त है घटना में उसको भी बरामद किया गया है। 3 जिंदा गोली बरामद की गई है और इसके साथ साथ इनके बयान पर पत्नी और जिसके साथ अवैध संबंध चल रहा था नौशाद आलम, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। कितने रुपये में हायर किया? पत्नी ने 50,000 रुपये दिए थे, पति की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। इसमें से जो सुपारी किलर हैं बता रहे कि 28,000 रुपये का एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस इन्होंने खरीदा था कटिया के संदीप शर्मा से और इसमें से 3 जो कारतूस है उसको बरामद किया गया, जिंदा कारतूस, और जो गोली मारकर जिससे हत्या की गई थी उस गोली का खोखा भी बरामद किया गया है। कौन है शूटर, कहां रहने वाले हैं? ये मंसूर आलम है और परवेज अंसारी हैं। ये फुलवरिया थाना अंतर्गत ही इनका घर है। अभी इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। कुल 4 गिरफ्तारी है, इसमें 2 सुपारी किलर हैं और मृतक की पत्नी है और जिसके साथ इनका अवैध संबंध था, जो पूरे घटना का मास्टरमाइंड नौशाद आलम है, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। कैसे सर पुलिस पहुंची शूटर तक? SIT का गठन किया गया था और SIT ने तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर पूरे मामले का वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए इस मामले का खुलासा किया है। तो आपने सुना कि गोपालगंज के SP स्वर्ण प्रभात ने क्या कुछ बताया। ऐसे में अपनी ही पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी, यानी प्रेम प्रसंग का मामला था और प्रेमी से पति की हत्या करवा दी। कहा जाता है कि अवैध संबंध का खुलासा हो ही जाता है,
ऐसे में आज नहीं तो कल उसे सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है।